अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सारा दिन में एक दफ़ा ख़बरों के लिए टीवी देखता हूँ टॉप ऑफ आवर पर, और वो सारे दिन की खबरें उसे पता चल जाती हैं। अच्छा, अब जब भी ये देख रहे हैं पिछले दो दिन से टीवी, सबसे जो एक नुमाया बात नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि सेनेट का इलेक्शन होने वाला है। हम सेनेट के इलेक्शन में जो पैसा इस्तेमाल होता है उसको रोकना चाहते हैं, और सेनेट के अंदर करोड़ों रुपये की सीटें बिकती हैं और लोग पैसे लेते हैं। ये बात सुनकर मुझे इतनी शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है कि देखिए, वो लोग जो हमारे बड़े हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि हम जो असेंबली में बैठकर इस मुल्क को चलाएंगे और वहाँ बैठकर इस मुल्क के स्याह सफ़ेद का फैसला करेंगे, हम वो लोग हैं कि जो प्रोन हैं कि वो कहीं पैसे ना ले लें, करोड़ों रुपये खर्च करके यहाँ ना चाहें। देखिए, ये अफराद के तौर पर उनका ज़ाती मामला है। हम उस मुल्क में रहते हैं जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, हम उस मुल्क में रहते हैं जहां हमें पता है कि हमारे अकीदे का एक हिस्सा है कि जब हम मर जाएंगे तो कब्र में, हशर में, आखरत में हमें इस सब का हिसाब देना पड़ेगा। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां हमारा ये अकीदा है कि अगर एक लुकमा हराम का हमारे मुंह के अंदर चला गया तो ये नहीं कि दीदा दानिस्ता, ये नहीं कि मैं तबाह हो जाऊँगा, मेरी नस्लें तक तबाह हो जाएंगी। उस मुल्क में जहाँ हम नमूसे रिसालत के लिए अपनी गर्दनें फ़ख्र के साथ कटवाने को तैयार हैं, जहाँ हम इस्लाम की अजमत के सारे दावे करते हैं, उस मुल्क के सरबराहान आपस में ये बातें कर रहे हैं कि हम असेंबलियों के अंदर सीटें लेने के लिए पैसे लेते हैं, और लेकिन हम इन पैसों को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हम पैसे लेते हैं और हमेशा से इसके लिए पैसे चलते हैं। देखिए, मुझे आपके इनफरादी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरा प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम है कि मुल्क के अंदर जो थोड़ी बहुत तरबियत का निज़ाम हो रहा है, जो भाग दौड़ की जा रही है कि किसी तरीके से अवाम-उन-नास की तरबियत हो सके, किसी तरीके से उनको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लाया जा सके, किसी तरीके से उनके अंदर दुनियावी लज्जत को कम करने की बजाय वैल्यूज़ की अहमियत उनके अंदर इनकलकेट की जाए, बच्चों में, सरकारी मुलाज़मों में, दुकानदारों में और आम लोगों में, असातिज़ा में, बिजनेसमैन में, डॉक्टरों के अंदर, इंजीनियर्स के अंदर और बाकी सारे तबकात में, वहाँ इस तरह की खबरें आने से जितनी वो थोड़ी बहुत मेहनत हो रही है उस सब का सत्यानाश हो जाता है। मुझे आप ये बताइए, जब हर बंदा ये कह रहा है कि 30 करोड़ रुपए की सीट लेकर या देकर कोई सेनेट का एक मेंबर बनता है, तो एक चौक पे खड़ा हुआ सिपाही जिसके घर में चार जवान बेटियां पड़ी हुई हैं और बूढ़ी माँ पड़ी हुई है और जिसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसके लिए क्या इंसेंटिव है जिसकी वजह से वो रक्षे वाले को रोक के उससे 100 रुपये रिश्वत ना ले। मुझे ये बताइए ना कि जब इस तरह की बातें टीवी के ऊपर आ रही हैं तो क्या इंसेंटिव है क्लर्क के पास जिसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है और जो कि अपने बड़ी मुश्किल से बिजली का बिल देता है और घर का किराया देता है, कि जब उसके पास एक साइल आए तो उसे 500 रुपये रिश्वत ना ले? उसके पास क्या इंसेंटिव है इस बात का? इसलिए मैं बहुत गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे सियासत की समझ भी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में इतनी बुरी रोल मॉडलिंग हो रही है कि पूरा का पूरा एतबार जो है अपने बड़ों पर से उठ रहा है। यानी आप देखिए कि एक बच्चा जो है वो अपने वालिद को शराब पीता हुआ देख ले और कोई गुनाह करता हुआ, बड़ा खतरनाक गुनाह करता देख ले, उस बच्चे का अपने वालिद के बारे में क्या एतबार रह जाएगा? जो मुल्क के चलाने वाले सरेआम सारे बैठकर टीवी के ऊपर ये बातें कर रहे हैं, बताएं मुझे से आम लोगों का क्या बनेगा? जो थोड़े से यानी एक अपने रोजगार के साथ अपनी जिंदगी गुजारे उनका क्या कर रहा है? आप अपने इनफरादी अमाल के आप जिम्मेदार हैं, आप मेहरबानी जो मर्जी कीजिए, हम उससे हमारा कोई गरज नहीं है, लेकिन खुदा के लिए एक इज्तमाई जुर्म में तो शरीक ना होइए। देखिए ना, आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है, मैंने अपने अल्लाह ताला को जवाब देना है, आपके पास इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके नज़दीक हराम हलाल का जो भी होगा मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कौन होता हूँ जजमेंटल होने वाला? लेकिन ये जो सारी बातें हैं इसके, ये एक इज्तमाई जुर्म की शक्ल के अंदर मुआशरे में आ रही हैं, और जिससे जो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है वो एकदम धड़म से नीचे गिर जाती है, और लोग जो हैं वो कभी भी वो बात नहीं करते जो उनके बड़े उनको करने को कहते हैं, वो बात करते हैं जो उनके बड़े करते हैं। तो बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब खुदा के लिए बस कीजिए, खुदा के लिए बस कीजिए, खुदा के लिए बस कीजिए। अब 70 साल हो गए हैं, खुदा के लिए बस कीजिए।